नमस्कार दोस्तों, आज के युग में गोरा रंग पाना हर व्यक्ति चाहता है। हम अपने चेहरे को आकर्षित बनाने के लिए कई प्रकार के बाजार में उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, किंतु इन सभी के इस्तेमाल के बाद भी जब हमारे सामने परिणाम नहीं आते तो हम काफ़ी निराश हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के चेहरे को गोरा और चमकदार बना देगा और एक चमकदार त्वचा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं वह कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसको अपनाने से आप एक चमकदार और खूबसूरत त्वचा प्राप्त कर सकते हैं, और इन घरेलू उपायों से आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक होता है। दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले एक खाली कटोरी लेंगे, फिर इसके बाद हम लेंगे आधा कटा हुआ नींबू। दोस्तों, नींबू के रस में भरपूर मात्रा में अम्ल और प्राकृतिक शुगर होता है। नींबू के रस में कई ऐसे फायदेमंद पोषक तत्व होते हैं जो हमारे त्वचा व शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसको हम शरीर की बाहरी सुंदरता के साथ साथ और भी कई शारीरिक फायदों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें आधा कटा हुआ नींबू का रस पूरा निचोड़ देंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद हम लेंगे एक टमाटर, और फिर टमाटर को हम कद्दूकस कर लेंगे, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले से कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, हम इसमें एक चम्मच के बराबर टमाटर का रस लेंगे। दोस्तों, टमाटर का रस भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, साथ ही हमारे चेहरे को एकदम सुंदर और गोरा बनाता है। दोस्तों, अब इनके बाद हम लेंगे कोलगेट। दोस्तों, हमें सादा वाला कोलगेट का पेस्ट लेना है, सफ़ेद वाला। दोस्तों, कोलगेट हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही हमारे चेहरे के दाग धब्बों को हल्का करता है। तो दोस्तों, हमें इसमें इतना सा कोलगेट का पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, इतनी सी मात्रा में हमें कोलगेट का पेस्ट लेना है। अब इसके बाद हम लेंगे दोस्तों, वो है बेसन। दोस्तों, हमें इसमें एक चम्मच बराबर बेसन ऐड करना है। त्वचा के लिए बेसन का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। यह हमारे चेहरे का रंग साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है। यह त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाता है और उसे वापस आने से रोकता है। इसके छोटे छोटे कण चेहरे की मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करते हैं। बेसन मुहासों को बढ़ने से रोकता है और एंटी पिंपल क्लींजर की तरह काम करता है। यह उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियां व त्वचा को लटकने से रोकता है। बेसन त्वचा पर स्क्रबिंग की तरह काम करता है। यह रोम छिद्रों को खोलता है और चेहरे की अंदर से सफाई करता है। तो दोस्तों, हम इन सब चीजों को लेने के बाद अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से मिक्स होकर तैयार है। दोस्तों, इसे लगाने का जो तरीका है वो ये है, आप अपने उंगलियों से इस तरीके से इस पेस्ट को लें और अपने चेहरे पर इस तरीके से गोल गोल स्क्रब करें। दोस्तों, कम से कम आपको 3 मिनट तक ऐसे ही स्क्रब करना है, फिर आपको इसे 15 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा तब आपको सादा पानी से धोकर साफ कर देना है। दोस्तों, आप देखोगे आपका चेहरा काफ़ी गोरा और चमकदार दिखने लगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर लाऊंगी कोई अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।